अर्जुन महाभारत के युद्ध के लिए तैयार कैसे हुआ? जब श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे तो अर्जुन भी युद्ध नहीं चाहता था, तो फिर महाभारत का युद्ध कैसे हो गया, किसने करवाया? यदि आप ये समझते हैं कि अर्जुन गीता का ज्ञान सुनकर अपने भाइयों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। जरा सोचिए, जो व्यक्ति गीता का ज्ञान समझ ले वह एक चींटी भी नहीं मार सकता। युद्ध करना तो दूर की बात है, गीता का ज्ञान परमात्मा पाने की ओर संकेत करता है। और सच तो ये है कि श्री कृष्ण के भीतर मौजूद काल ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिससे डर कर भयभीत होकर, जैसे कि गीता के अध्याय 11 श्लोक 31 में लिखा है कि आप उग्र रूप वाले यानी कि डरावने रूप वाले कौन हैं। और इसी अध्याय के श्लोक 35 में संजय कह रहा है कि अर्जुन कांपता हुआ नमस्कार कर रहा है। असल में उस डर की वजह से ही अर्जुन ने युद्ध किया। और इसमें एक और बड़ा रहस्य ये है कि श्री कृष्ण गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने आप को काल कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्या श्री कृष्ण जी काल थे? जवाब है नहीं। श्री कृष्ण के अंदर मौजूद 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है, जिसने गीता का सर्व ज्ञान दिया तथा अपना विराट रूप दिखाकर अर्जुन को डराकर महाभारत का युद्ध करवाया। अध्यात्म के ऐसे ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।